गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका वैनिटी। तो जैसा कि कल मैंने आपको मिलाया था अपने मायके वालों से, तो आज मैं आपके साथ में एक अपना मायके का ही फंक्शन, मतलब मायके का नहीं कह सकते, मतलब मेरी बहन जो है उसके यहाँ का फंक्शन का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली हमारे घर पे एक नया मेम्बर ऐड हुआ है, तो उसी के यहाँ सेरेमनी थी, तो हम लोग उसी में गए थे। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारा लुक कैसा लग रहा है, और साथ ही आप हमको ये भी कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपको ढेर सारा थैंक्स बोल सके। पिछले वीडियो का थैंक्स जाता है सरिका की सरगम वाले चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट ब्लॉगिंग की ओर। तो बस अभी क्या है कि हम लोग जा रहे हैं अपने घर से हजारीबाग, मतलब हमारे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर, और रास्ते में हमने देखा कि एक फिल्म की हो रही थी शूटिंग, तो उसमें थोड़ा हम लोगों ने भी वीडियो बना लिया। हमारा जो एरिया है ना, वो इतना भी छोटा नहीं है, देखो यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो बस खड़ा होकर सब लोग देख रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा क्लिपिंग कर लिया क्योंकि जाम ऑलरेडी लगा हुआ था। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी थोड़ा इरीटेट हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग पहुँच सकें। उसके बाद फिर हम लोग एक जगह पर, मतलब हम लोग रास्ते में ही एक जगह पड़ता है पद्मा, वहाँ पर ना बहुत अच्छा चाय बनता है, तो हम लोग अगर उधर के कभी भी रास्ते से जुटते हैं तो हम लोग चाय ज़रूर वहाँ का पीते हैं। तो ये हम लोग का चाय आ गया था और हम लोग चाय बस पी करके अपनी बहन के यहाँ पहुँच गए। तो मेरी बहन के यहाँ मेरी बड़ी वाली सिस्टर मम्मी लोग ऑलरेडी पहले से पहुँची हुई थी, हमको थोड़ा सा पहुँचने में लेट हो गया। तो देखिए सभी लोग रेडी हो रही है। तो ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है और हम मम्मी को कह रहे हैं कि सच में ये मेरे से छोटी लगती है और ये मेरी मम्मी है, तो कोई भी देख के नहीं कह सकता कि ये मेरी मम्मी है, क्योंकि मम्मी बहुत ही यंग लगती है। क्या होता है ना कि जिसका मन साफ होता है ना, उसको कभी भी उम्र ना मतलब घेर नहीं सकता है। और ये है मेरी, इनका नाम है प्रिया, प्रिया इनका नाम है। तो सब मेकअप कर रही थी और हम उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, ऐसा ही होता है, ये बहुत अच्छा मेकअप करती है। और ये है मीठी, मेरी वही प्रिया दी की बेटी, तो ये भी हेलो हेलो कर रही है। अब फंक्शन हो गया था स्टार्ट, तो अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रही हूँ कि इसको मेन हम लोग बोलते हैं छठी पूजा। सबको पता होगा कि छठी पूजा क्या होता है, बच्चे के आने के 6 दिन बाद हम लोग यहाँ पूजा होता है। तो इस तरह का देखिए, ये मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर है, उसका हो रहा है। इसका भी लुक हम आपको आगे में दिखाएंगे। तो बेसिकली आज से बच्चे को कपड़ा वगैरह मिल जाएगा पहनने को। तो हम लोग यहाँ देखिए ये सूप रखा हुआ है ना, सूप में ही बच्चे को देकर पूजा वगैरह किया जाता है, फिर खाना वाना खिलाया जाता है बच्चे को, बच्चे की मम्मी को। उसके बाद फिर आज से फिर वो सब कुछ नया कपड़ा वगैरह पहन सकता है, काजल जिसको कह सकते हैं, काजल भी आज से ही लगेगा। तो बुआ आज उसकी काजल लगाएगी। पूजा पाठ होने के बाद में यहाँ पे काजल का नियम होने जा रहा था। पहले देखिए बाबू आ गया है, तो बाबू का पहले फेस रिवील होगा कि बाबू कैसा है। देखिए कुछ भी ना हम हाइड नहीं रखते कि हाँ अभी इसका फेस नहीं रिवील कर सकते या उसका नहीं रिवील। यार ये फैमिली है यार, अगर आप यूट्यूब पे आए हो, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि मैं बहुत चीज़ें पर्सनल रखती हूँ, ऐसे वैसे मैं अगर पर्सनल ही रखना है तो फिर ब्लॉगिंग ही क्यों करना। इसलिए कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, सब कुछ मेरी, आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो। तो बस मैं अपनी फैमिली का, जिनको पसंद होगा मेरे साथ ब्लॉगिंग में आना, जैसे मेरी फैमिली के लिए, तो वो मेरे साथ में ब्लॉगिंग में आ सकते हैं और मैं उनका अच्छे से फेस वगैरह सब रिवील कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे पूजा पाठ कंटिन्यू था। तो ये है मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर और ये है उनके हस्बैंड। तो पूजा पाठ, ये उनकी बुआ जो है काजल का जो रस्म है वो कर रही है। तो फटाफट काजल, इसमें बेसिकली होता है कि जो काजल पाटता है उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे छोटा मोटा नोकझोंक होता है कि हाँ क्या गिफ्ट मिलेगा या क्या मिलना चाहिए इस टाइप का। तो जल्दी जल्दी फंक्शन भी हम लोग निपटा रहे थे और फिर बच्चे को जो भी आप यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं आप दे सकते हैं। बिहारी झारखंड, बिहार और झारखंड में तो मतलब छठी पूजा के नाम से ही लोग समझ जाएंगे कि ये बेसिकली किस चीज़ का पूजा है। और ये उसकी सासू माँ है जो पूजा कम्प्लीट होने के बाद में इस तरह से पानी दे करके और अपना मतलब वो काम कर रही। सारा फंक्शन होने के बाद में हम लोग चले थे मेन पार्टी की तरफ, यहाँ पे पार्टी था। ये छिटकू मल देख रहे हैं, हैप्पी छठियारी लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से डेकोरेशन वगैरह हो रखा था और बस हम लोग सब कुछ चले गए थे पार्टी वगैरह में। थोड़ा बहुत डांस वांस हो रहा था, हम लोग पहले ही आ गए थे क्योंकि हम लोग उसके घर से आए थे डायरेक्टली। तो
जो है सब बाकी लोग आएंगे अब धीरे धीरे, तो ये फंक्शन फिर हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज वगैरह लगा हुआ था और बहुत बड़ा हॉल है, इसी हॉल में उसका रिसेप्शन भी हुआ था, तो यहाँ पे बाकी गेस्ट आने का वेट हो रहा था। और इधर बच्चा लोग पूरा मस्ती में लगा हुआ है, डांस वांस सब कुछ का चल रहा है, और ये हम भी हम सभी लोग इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, गाना वाना बज रहा है। और देखिए दादाजी कितना मस्ती से नाच रहे हैं, उनको बड़ा खुशी हो रहा है कि चलो हमारा जो है सुपोता घर पे आया है। और ये रहा रुद्र, बच्चा पार्टी के साथ में बिजी हैं। तो इसी तरह हमारा जो है सब फंक्शन निपट रहा था धीरे धीरे। और फिर उसके बाद में देखिए बच्चे का झूला लगा हुआ है, और यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है थर्ड, जो वो सब मेहमानों को अटेंड करने में लगी हुई है। बाबू मेरा छोटू सा सोया हुआ है, ये बड़ी बहन के हैं, ये यहाँ पे बिजी चल रही है पूरा। और फिर हम लोग आ गए खाने की तरफ। खाना बहुत लाजवाब बना था, बिना लहसुन प्याज का बनता है ये खाना, क्योंकि ये पूजा टाइप का होता है, तो बिना लहसुन प्याज का बनता है। तो आपके घर में भी अगर छठी पूजा होता है तो किस तरह होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खाना वाना लेके हम लोग बस खाने की तरफ आ गए थे, और ये मतलब लास्ट का है, उस समय मैं आपको फर्स्ट कर रही, बीच में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत सारे गेस्ट लोग आ गए थे, बच्चे को बहुत संभालना पड़ रहा था, तो सब बस खा पी के लगभग लोग चले गए थे, हम लोग लास्ट में बचे थे। तो हम लोग सब खाना पीने के लगे हुए हैं, ये बच्चे की बड़ी मम्मी बड़े पापा, और बस खाना वाना खा के सब अब लोग निकलने वाले थे। ये बच्चे की बुआ है, ये हम लोग सब कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अब कल के ब्लॉगिंग में, कल के ब्लॉग में भी कुछ ऐसा ही खास होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो